हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली हमने पोएटिक डिवाइस पे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। आज हम पोएटिक डिवाइस के जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आई एम मायसेल्फ प्रोफेसर प्रमोद साळुंखे। आज हम पीपीटी में देखने वाले हैं एमसीक्यूज किस तरीके से आने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पोएटिक डिवाइस पे हमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट जो है तो फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों, पोएटिक डिवाइस में पहला एक क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है एंड 100% पूछा ही जाएगा, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो 10th के सिलेबस में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है उसका एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लीजिए, बाद में हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सेकेंड है राइमिंग स्कीम। एवरी पोयम हैज अ यूनिक स्कीम। हर एक पोयम का एक अलग स्कीम होता है, तो हमें ये बाय हर्ट लर्न करके रखना है कि कौन से पोयम का स्कीम क्या है। राइमिंग वर्ड्स एंड पेयर्स, तो ये हम देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। एंड अबाउट पोएट, तो जो भी पोएट है हर पोयम के उनका नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बनाया दोस्तों आपके इजी के लिए, पोएट, पोएम का नेम एंड पोएम का क्या स्कीम है, पोएटिक रेमिंग स्कीम उसका क्या है। तो जैसे कि फर्स्ट पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर रिटन बाय जे मॉर्स, उसके पोएट है जे मॉर्स एंड उसका स्कीम है ए बी सी बी। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, यानी कि आपको एक ही टेबल में पूरे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, नेम ऑफ पोएट, नेम ऑफ पोयम एंड उसका स्कीम। सेकेंड एंड थर्ड पोयम दोस्तों वहां पर कोई भी स्कीम नहीं है, तो वहां हम लिखेंगे फ्री वर्स या फिर ब्लैंक वर्स। देखो, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट सुनील शर्मा ने लिखी गई पोयम है, लेकिन वहां पर कोई भी स्कीम नहीं है, तो जहां पे स्कीम नहीं होती है वहां पे हम लिखते हैं ब्लैंक वर्स या फिर फ्री वर्स, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लैंक वर्स भी लिख सकते हैं दोस्तों। यू आर डाइंग स्लोली पैब्लो नेरुडा ने लिखी कविता है एंड उसका स्कीम भी है फ्री वर्स, ठीक है। द ट्विंस ह्यूमरस पोएम है दोस्तों, बहुत ही, रिटन बाय हेनरी सैमब्रूक लेई एंड उसकी जो स्कीम है वो है ए बी सी डी सी डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पोएम इफ, बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल पोएम है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है और उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा की स्कीम अलग है थोड़ी एंड सेकेंड स्टैंजा की अलग है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा की स्कीम है ए ए बी बी, सॉरी ए ए ए ए बी सी एंड सेकेंड स्टैंजा की है ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने और ये पोएम का स्कीम है ए ए बी ए, ठीक है। लास्ट पोएम दोस्तों सिलेबस में जो है, दैट इज द वर्ल्ड इज माइन, इज रिटन बाय जॉय लवलेट काउफोर्ड, ठीक है, और इसका जो स्कीम है वो है ए ए बी बी सी सी डी डी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, यानी कि आपको टोटल पोएट्री सेक्शन के जो भी पोएम्स हैं उनके पोएट के नेम एंड राइमिंग स्कीम क्या है ये पता चल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ऑन पोएटिक डिवाइस। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, द पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर इज रिटन बाय। तो हमें क्या करना है कि जितने भी पोएम्स हैं सिलेबस में, 7 पोएम है दोस्तों, 8वां जो पोएम है वो सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, तो पहले 7 जो पोएम है अभी जो चार्ट में बताए थे बस वो पोएम्स के पोएट याद करके गए। जैसे कि टीनेजर्स प्रेयर इज रिटन बाय जे मॉर्स, सही आंसर है जे मॉर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर। तो पहली जो पोएम है अपनी अ टीनेजर्स प्रेयर, इसका स्कीम पूछा है हमें क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्कीम ऑफ द फर्स्ट पोएम, दैट इज ए ए बी
सी बी, ठीक है, ये है फर्स्ट पोएम का स्कीम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग डिसीजंस आई मस्ट मेक। ठीक है दोस्तों, अभी टोटल जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है उसका एक वीडियो बनाया है, किस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच सेंटेंस में दिए गए एक्सप्रेशन में फाइंड करना होती है वो भी हमने देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, डिसीजंस आई मस्ट मेक, यहाँ पे आई ये जो सब्जेक्ट है, मस्ट मेक वर्ब है, और क्या मेक करना है तो डिसीजन है, मतलब ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस अलग कर दिया है, सब्जेक्ट नहीं, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आ गया, और जब ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है इनवर्जन, ठीक है ना, जहां पर सीक्वेंस बदल दिया जाता है। सही सीक्वेंस हमेशा क्या होता है, एस प्लस वी प्लस ओ, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। अगर ये चेंज कर दिया है तो वहां पे क्या आ जाता है, इनवर्जन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ पोयम टीनेजर्स प्रेयर इज एड्रेस टू, ये जो पोयम है ये किसे एड्रेस करने की गई है, किससे बात कर हो रही है, ह्यूमन से हो रही है, चिल्ड्रन से हो रही है, या फिर गॉड से हो रही है। तो स्टार्टिंग में ही बताया है कि ओ गॉड है ना, तो ये भगवान को एड्रेस की गई है। तो याद रखिएगा, एड्रेस करना मतलब जो लिसनर होता है वो, ये पोयम जिससे बात हो रही है वो, तो फर्स्ट पोयम जो है तो गॉड को एड्रेस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। दोस्तों यहां पे देखो एक वर्ड जो है तो वो रिपीट हो चुका है, स्मॉल एंड स्मॉल, ठीक है ना। तो जब भी कोई वर्ड, होल वर्ड, पूरा शब्द दो या दो से ज्यादा बार अगर सेंटेंस में आता है तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है रिपीटेशन, करेक्ट। रिपीटेशन में एक एक्सेप्शन है दोस्तों, ठीक है ना, यहां पर हम क्या नहीं ले सकते हैं, आर्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते हम, बाद में हम प्रेपोजिशंस यहां नहीं कंसीडर कर सकते, एंड जो भी हेल्पिंग वर्ब है या फिर उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी, तो वो भी हम यहां कंसीडर नहीं करते। बाद में जो भी कंजक्शंस है वो भी यहां पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये सब छोड़ के, ठीक है ना, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी कंजक्शन छोड़ के अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, दो या दो से ज्यादा बार यूज किया जाता है, तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज रिपीटेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द राइम स्कीम ऑफ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट इज, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट की राइमिंग स्कीम क्या है। तो दोस्तों हमें लर्न करके रखना है कि बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट पोयम में कोई भी स्कीम नहीं है, तो सही आंसर है फ्री वर्स, ठीक है ना। तो सेकेंड जो पोयम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, वहां पर एक भी राइमिंग पेयर नहीं है, एंड वहां पर जो स्कीम है वो फ्री वर्स है, यानी कि स्कीम ही वहां पर नहीं यूज की गई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द पोयम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इज रिटन बाय, यहां पर हमने एक एक पोयम को फोकस करके जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। अभी यू स्टार्ट डाइंग स्लोली ये पोयम किसने लिखी है, रुडियार्ड किपलिंग, पैब्लो नेरुडा, वॉल्ट विटमन। तो सही आंसर है पैब्लो नेरुडा, ठीक है। तो बस ये लर्न करके रखना है कि हु इज द पोएट ऑफ विच पोयम। तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली ये पोयम किसने लिखी है, पैब्लो नेरुडा ने लिखी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग ओ मून गिव मी बास्केट फुल, ये सेंटेंस में हमें क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी स्टार्टिंग में ओ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है ना, ठीक है ना, तो ये जो पोयम होती है ये होती है अपोस्ट्रोफी, ठीक है, ये हमेशा होती है, ये अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना बहुत ही आसान है,
जैसे कि स्टार्टिंग में वो किसी को एड्रेस की जाती है, ठीक है, और जिसे एड्रेस की जाती है वो नॉन लिविंग होता है या फिर अब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इन्हें ये क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। जैसे कि बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, ये पोयम किससे बात हो रही है, किसे एड्रेस की गई है, मून को एड्रेस की गई, ठीक है ना। तो ओ मून गिव मी मूनलाइट, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है अपोस्ट्रोफी। दोस्तों एक ही एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, एक ही दिए गए एक्सप्रेशन में, लाइन में एक से ज्यादा भी फिगर ऑफ स्पीच आ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो यम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी यम है और यहाँ पर भी एम साउंड आ चुका है, तो यहाँ पे अलिटरेशन भी है। लेकिन ऑप्शन में अगर जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच दी गई है वही हमें आंसर में सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो रिमेंबर, कोई भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है ना। बस ऑप्शन में देखना है जो फिगर ऑफ स्पीच हमने फाइंड की है वो ऑप्शन में है या नहीं है। तो ओ से स्टार्ट होने वाले, एड्रेस किए जाने वाले जो भी एक्सप्रेशन होंगे वहां पे होगा अपोस्ट्रोफी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज द पोएट ऑफ द ट्विंस। ये जो पोएम है द ट्विंस बहुत ही ह्यूमरस कॉमेडी पोएम है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पोएट किसने लिखी है, सही जवाब है हेनरी सैमब्रूक ले, ठीक है ना। अभी ये हमें बाय हर्ट लर्न करके रखना है। तो द ट्विंस इज रिटन बाय हेनरी सैमब्रूक ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज द पोएट पोएट्स ट्विंस ब्रदर। अभी आप पूछा गया है कि हु इज द, जैसे ना, इज द पोएट्स ट्विंस ब्रदर, तो उसका नाम पूछा है दोस्तों। अगर आपने ये पोएम अच्छी तरीके से लर्न की है तो आपको पता होगा कि जो पोएम है द ट्विंस, उसके भाई का नाम क्या है। तो उसके भाई का नाम है, वहां पे लिखा है पोएम में, जॉन, ठीक है ना। उसके भाई का नाम क्या बताया है, जॉन इज द पोएट्स ट्विन ब्रदर, उनका जुड़वा भाई है वो जॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग इज, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, ये जो पोयम है इसका राइमिंग स्कीम बताना है दोस्तों। ए बी सी बी है या ए बी ए है या फिर ए बी बी है। स्टार्टिंग में हमने एक चार्ट बताया था, ठीक है ना, वहां पर टोटल पोयम्स के स्कीम भी हमने बता दिए है। तो इसका जो स्कीम है दैट इज ए बी ए, दिस इज द स्कीम ऑफ द पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पोयम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट द स्पीकर डैश डिमांड्स द मून। जो पोयम है, पोयम का जो स्पीकर है एक स्मॉल किड, ठीक है ना, तो उसने क्या डिमांड किया है, सीड्स ऑफ ग्रेन, सीड्स ऑफ कॉर्न या सीड्स ऑफ मूनलाइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ना वर्ड होना चाहिए था सीड्स ऑफ मूनलाइट, तो सही जवाब है सीड्स ऑफ मूनलाइट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। तो थोड़ा रुकेंगे दोस्तों हम, ताकि आप भी कोशिश कीजिए कि दिए गए एक्सप्रेशन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। तो इस सेंटेंस में हमें फिगर ऑफ स्पीच देखना है, मेटाफर है या टॉटोलॉजी है या फिर इन्वर्जन है, ठीक है ना। वैसे तो दूसरे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में होते हैं। अभी ये तीन ऑप्शन में से ही बताना है हमें, ठीक है। तो सही आंसर देखो दोस्तों, यहाँ पर टेल्स एंड स्टोरीज ये दो वर्ड आ चुके हैं, ठीक है ना। आपको पता है टेल्स का मतलब स्टोरी होता है और स्टोरी का मतलब टेल्स होता है, यानी कि ये दोनों वर्ड इंग्लिश में अलग अलग है लेकिन इनका मीनिंग जो है ना वो सेम है, एक ही है। अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड आते हैं इंग्लिश के जो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है, वहां पे हमेशा जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है टॉटोलॉजी, ठीक है। वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, टॉटोलॉजी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग।
एंड व्हेन आई डाइड द नेबरर्स केम एंड ब्यूरीड ब्रदर जॉन। तो ये पोएम द ट्विंस में से है, ठीक है ना। तो बहुत ही ह्यूमरस पोएम है दोस्तों। अभी यहाँ क्या बताया कि व्हेन आई डाई द नेबरर्स केम, जब मैं डाइड हो गया, डेथ हो गया मेरा, तो नेबरर्स आए एंड उन्होंने क्या किया, ब्यूरीड ब्रदर जॉन। तो अभी देखे थे हमने ना, पोएट्स का ब्रदर जॉन होता है। तो पोएट डेड हो गया लेकिन ब्यूरीड मतलब उसका अंत्यविधि किसका किया गया, जॉन का किया। तो ये होता है क्या दोस्तों, कभी कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं जो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है हाइपरबोला। अभी देखो हाइपर मतलब हाई, जब बोलते हैं ना ज़्यादा बोल देता है, एक्चुअल से रियलिटी से ज़्यादा बोल दिया, हाइपर बोला बोल दिया है ना। जब ज़्यादा बोल देते हैं रियलिटी से आगे बोल देते हैं, ओवर स्टेटमेंट जिसे कहते हैं हम, अगर ओवर स्टेटमेंट है तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है हाइपरबोली। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग विथ वॉर्न आउट टूल्स। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू स्टार्टिंग में आ चुका है दो बार, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, रिपीटेशन तो नहीं है, अलिट्रेशन है एंड सिमिली भी नहीं है। सिमिली के लिए हमें पता है सेंटेंस में लाइक या फिर एज या फिर सो, अगर ये वर्ड होते हैं तो ही सिमिली होता है। रिपीटेशन में क्या होता है, होल वर्ड जो होता है दोस्तों वो रिपीट होता है, जैसे स्मॉल स्मॉल था, यहाँ पर तो कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड शुरुआती में वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ चुका है। तो अगर वर्ड के स्टार्टिंग में कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है ना, ठीक है, वर्ड के स्टार्टिंग में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है अलिटरेशन, ठीक है। होप आपको ये सभी बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द पोएम इफ इज रिटन बाय, मोटिवेशनल पोएम है दोस्तों। इफ अगर आपने पढ़ी नहीं होगी तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत इंकरेज करता है हमें। जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं, ठीक है ना, वो सिचुएशन में हम खुद को किस तरीके से रिएक्ट करना होता है। तो चलो, इफ पोएम किसने लिखी है, दैट इज रुडियार्ड किपलिंग। सही आंसर है रुडियार्ड किपलिंग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड इज माइन इज रिटन बाय, नेक्स्ट पोएम जो है वर्ल्ड इज माइन किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, जे मॉर्स, जॉय लवलेट कॉवर्ड। तो सही आंसर है जॉय लवलेट क्राउफोर्ड, ठीक है ना। जैसे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने हमें मालूम है कौन सी लिखी है, स्टॉपिंग इन वुड्स, जे मॉर्स ने कौन सी लिखी है, और टीनेजर्स प्रेयर, ठीक है ना। तो वर्ल्ड इज माइन इज रिटन बाय जॉय लवलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर। दोस्तों ये जो फिगर ऑफ स्पीच है हमने इसका एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज वो वीडियो देखिए डिटेल में, हर एक फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से फाइंड करना है वहां पे हमने क्लूज बताए हैं, ठीक है ना। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप ये एमसीक्यू इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही आसान जा सकता है। माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर, अभी यहाँ पे देखिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, अपोस्ट्रोफी है या पर्सोनिफिकेशन है या फिर ट्रांसफर एपिथेट है, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों हॉर्स, ठीक है ना, एनिमल है और एनिमल को क्या किया गया है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, ठीक है ना। वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है पर्सोनिफिकेशन। यहां पर देखो पर्सन वर्ड आ चुका है ना, पर्सन यानी कि ह्यूमन, पर्सन यानी कि ह्यूमन मैनकाइंड। अगर पर्सन की कोई भी क्वालिटी किसी एनिमल को दी जाती है या फिर बर्ड को दी जाती है या फिर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दी जाती है,
ठीक है, वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, वो होती है परसोनिफिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज द पोएट ऑफ द पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो ये जो पोयम है ये किसने लिखी है? यस, सही आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है ना, तो अभी किस तरीके से याद रखेंगे दोस्तों? देखो यहाँ पे स्नोवी यानी कि बर्फ है और ये फ्रॉस्ट है कि नहीं, थोड़ा सा फ्रीज जैसा साउंड आ जाता है, तो स्नोवी एंड फ्रॉस्ट दोनों थोड़ा थोड़ा सेम आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को लिंक कर सकते हैं कि ये जो स्नोवी इवनिंग वाला पोयम है ये किसने लिखा है, तो ये फ्रॉस्ट होना है ना, फ्रीज फ्रॉस्ट, तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। अगले सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? हुज वर्ड्स दीज आर? आई थिंक आई नो। दोस्तों यहाँ पे देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ चुका है, ठीक है ना, एंड अगर सेंटेंस में कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है या फिर क्वेश्चन आ जाता है, हाँ आपको तो मालूम है क्वेश्चंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है यस नो वाला और दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड वाला। तो कोई भी क्वेश्चन अगर सेंटेंस में आता है तो बहुत ही आसान होता है, वहां पर होता है हमेशा इंट्रागेशन। ठीक है ना, वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है इंट्रागेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। ओ गॉड गिव मी, सॉरी फॉर गिव मी व्हेन आई वाइन। अभी यहां पर देखो ओ गॉड है, ठीक है ना, और अभी जैसे बताया कि ये एड्रेस की गई है गॉड को, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी भी है, लेकिन ऑप्शन में अपोस्ट्रोफी नहीं दी गई है। अगर ऑप्शन में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच दिए हैं तो वहां पे वो सही आंसर होगा। अगर एक ही फिगर ऑफ स्पीच दी है तो हमें वो फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है जो सेंटेंस में है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों विम जो वर्ड है ना, ये वर्ड जो है तो ये साउंड क्रिएट करता है, ये वर्ड क्या करता है? साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, और इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें साउंड क्रिएट होता है। एंड इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज ऑनोमेटोपोया। नाम तो बहुत बड़ा है और अलग भी है, हाँ, तो ये ऑनोमेटोपोया कब होता है? जब साउंड क्रिएट किया जाता है, जैसे कि रसलिंग ऑफ लीव्स, तो ये रसलिंग जो वर्ड है ना ये साउंड देता है, हाँ, या फिर ब्लास्ट, बॉम ब्लास्ट, तो ब्लास्ट जो होता है ना वो धमाका, तो जिस तरीके से वो धमाका होता है उस तरीके से हम उसे रीड करते हैं ब्लास्ट। ठीक है, तो उसमें क्या है कि साउंड क्रिएट हो रहा है। अगर दिए गए एक्सप्रेशन में कोई वर्ड साउंड क्रिएट करता है तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे कहेंगे हम फिगर्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज का वीडियो बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।